तो जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना। निकाल तो कैसे भी सकते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर सकते हैं, दो जीरो बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग 4.2 में काफ़ी कुछ किए हैं। लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है कि C3 कॉलम के को फैक्टर के अबाउट आपको को फैक्टर को यूज़ करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी रो या कॉलम के अबाउट जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, सपोज हमें हाँ थर्ड कॉलम के अबाउट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या है आपका, दैट इज़ A13 है, A13 इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 3, प्लस ये हो गया आपका 2 3, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो आपका को फैक्टर 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये एलिमेंट A33 हो गया, क्या हो जाएगा आपका, ए को फैक्टर A33। नाउ अब ये सब की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग तीन को फैक्टर जानते हैं, A13 निकालना है, तो ये -1 की पावर क्या होता है, 1 प्लस 3 -1 3, और माइनर -1 की पावर इवन +1 होता है ना। तो M13 कैलकुलेट कर लेते हैं। M13 होता क्या है, पहले रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, तो पहला रो तीसरा कॉलम एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया आपका, 1 1 और YZ, तो क्या लिख सकते हो आप, Z-Y, ठीक है, ये आपका A13 आ गया। इसी तरह से आपका क्या निकालना है, दैट इज A23, तो A23 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3, और M23 -1 की पावर 2 प्लस 3, 5 ऑड है तो माइनस देगा, है ना, -1, और M23 कैसे निकलेगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये रो एलिमिनेट हो गया, तीसरा कॉलम एलिमिनेट हो गया, 1 1, XZ बचा, 1 1 और XZ क्या हो जाएगा, Z-X, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो X-Z हो जाएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आपका A33 है, तो A33 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 प्लस 3, 6, विच इज़ इवन, तो -1 की पावर इवन 1 होता है ना, तो सिर्फ M33 निकाल लेते हैं, तो M33 क्या हो जाएगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये बचा 1 1, और XY क्या जाएगा आपका, Y-X। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, है ना, सपोज ये 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू, अब देखिए A13 क्या है, A13 आपको YZ दिया गया है, तो YZ टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, दैट इज Z-Y, प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज A23, 23 आपका ZX दिया गया है, टाइम्स X-Z, प्लस क्या हो जाएगा आपका, XY टाइम्स Y-X, ठीक है, तो ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। लेकिन आपका जो ये है, इसे दैट कैन बी फैक्टराइज्ड, है ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए साइक्लिक एक्सप्रेशन बोली जाती है, और साइक्लिक एक्सप्रेशन के लिए आप खैर हम फैक्टराइज करके दिखा देते हैं आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या करते हैं, एक्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में, एक्स के डिक्रीजिंग पावर में लिख देते हैं, तो एक्स की पावर 2 वाला टर्म कौन कौन सा हो गया आपका, ये एक्स की पावर 2 वाला टर्म्स दोनों है, वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से बच जाएगा जेड, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म देखिए कौन कौन सा है, एक्स वाला टर्म ये वाला पड़ा रहा, और आपके पास एक टर्म होना ये है ना, तो x कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और रेस्ट ऑफ टर्म जो भी बचा आपके पास, जो x का टर्म नहीं है, वो शुरू वाले दोनों हैं, तो आप वहाँ से वाई जेड कॉमन कर सकते हो, वाई जेड कॉमन कर लिया, क्या आ गया आपका, दैट इज जेड माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी फैक्टराइज कर सकते हैं आप,
है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो वाई माइनस जेड तो दिख ही रहा है हम, अब बगल में लिख लीजिएगा यहाँ पे, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं वाई प्लस जेड। कॉमन क्या हो रहा है, वाई अगर हम लोग जेड माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, जेड माइनस वाई यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी जेड माइनस वाई हो जाएगा, बशर्ते आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, है ना। अब ये भी जेड माइनस वाई हो गया, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, तो जेड माइनस वाई आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स वाई प्लस जेड और प्लस वाई जेड बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड और प्लस वाई जेड। अब देखिए पेयरिंग कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और यहाँ से आप क्या कॉमन कर लो, x माइनस वाई लाने के लिए माइनस जेड कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो x माइनस वाई आपका, जेड माइनस वाई तो पहले से था, अब x माइनस वाई आपका और कॉमन हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी x माइनस वाई, और जो बचेगा यहाँ पे है ना, x माइनस वाई और ये क्या हो गया, जेड माइनस वाई और x माइनस जेड। लेकिन साइक्लिक जब भी एक्सप्रेशन आती है तो ध्यान दिया करिए कि आंसर हमेशा हमें साइक्लिक फॉर्म में लिखना होता है, मतलब कि जहाँ से ये अंत हो रहा है वहाँ से इसकी शुरुआत हो, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड होना चाहिए था, तो यहाँ से माइनस कॉमन करोगे आप ये काम करने के लिए y माइनस जेड, ठीक है, ये y माइनस जेड हो गया, और z माइनस एक्स होना चाहिए, तो ये माइनस इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, या यूँ कह लो कि इससे भी माइनस कॉमन कर लें, है ना, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लेंगे, तो साइक्लिक फॉर्म में हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, लिखे नहीं है लिख दे रहे हैं, चलिए y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स हो गया, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।